गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी ये लिखिए वर्णमाला, हिंदी के वर्णमाला, उसमें कौन कौन से भाग हैं, स्वर और व्यंजन। ये देखिए, ये जो सारे हैं अ से औ तक ये स्वर हैं और आम आहा क्या है, अयोगवाहक है और व्यंजन है। हम क्या करेंगे अभी, इसमें से ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, अयोगवाहक कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं, व्यंजन में वर्गीय व्यंजन कौन से हैं, अवर्गीय व्यंजन कौन से हैं और वर्गीय व्यंजन में अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक और देखिए अवर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं और बाद में देखेंगे संयुक्ताक्षर। तो चलिए देखते हैं, अभी देखिए स्वर में अ हम लिखते हैं अ आ ई ई ऊ ऊ री ए आई ओ औ अम आहा। अभी देखिए ये जो मैंने गोल किया है केसरी कलर में लिखे हुए अक्षर हैं, इन्हें क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में हमें सिर्फ एक ही मात्रा लगती है अ आ ई उ रि ए ओ ऐसे। अभी देखिए आ बोलेंगे तो आ, इनके उच्चारण में हमें एक से ज्यादा मात्राएं लगती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो अभी देखेंगे ये जो है आ ई ऊ आई और ओ, ये जो है ये ह्रस्व स्वर है और अम और अहां क्या है, अयोगवाहक है। क्या है, अयोगवाहक है। इसमें भी अम क्या है, अम को कहते हैं अनुस्वर और अहां को कहते हैं, सॉरी अहां को कहते हैं विसर्ग। ये जो अयोगवाहक है इसमें भी दो भाग है, अम हो गया अनुस्वर और अहा हो गया विसर्ग। अभी हम क्या करेंगे, व्यंजन के तरफ आएंगे। तो आपको अब इससे पहले क्या पता चल गया, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, अ ई ऊ री ए ओ और दीर्घ स्वर आ ई ऊ ए ऐ ओ सॉरी औ और अयोगवाहक में अम और अहा क्या हो गया, एक हो गया अनुस्वर और दूसरा विसर्ग। और अब व्यंजन के तरफ आए तो हम देखेंगे यहाँ पे ये सारे क से कहाँ तक, म तक, क से म तक ये जो 25 अक्षर हैं ये सारे क्या हैं, वर्गीय व्यंजन हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, दो भाग करते हैं। इसमें देखिए एक क च ट त प और ग ज ड द व, ये जो 10 अक्षर है ये क्या है, अल्पप्राण। यहाँ पे हल्दी में जो मार किया हुआ है ये क्या है, कचट तप गजट दप, ये क्या है, अल्पप्राण है। और ये जो ख ख छ ठ थ प और ख छ ढ ध प, ये यहाँ तक क्या है, ये महाप्राण है क्योंकि इनके उच्चारण में भी हमें एक से ज्यादा ही मात्राएं लगानी पड़ती है। और देखिए ये जो है अनुनासिक कहते हैं हम इसे, ये 5 है, अनुनासिक कितने हैं, 5 है, नीले अक्षरों में लिखा हुआ है ये अनुनासिक है। इसे क्यों अनुनासिक कहते हैं हम, इनका उच्चारण हम नाक में करते हैं इसलिए इनको हम अनुनासिक कहते हैं। देखिए ऐसे इनका उच्चारण करते हैं। बाद में देखेंगे यस यस से ह तक अवर्गीय व्यंजन य र ल व श श स ह, ये क्या हो गया, अवर्गीय व्यंजन हो गए और क्ष त्र ज्ञ श्र, ये 4 हो गया संयुक्त अक्षर क्योंकि ये देखिए क्ष में श, क में श मिला हुआ है, त में र मिला हुआ है, ज में ञ मिला हुआ है, श में र मिला हुआ है, इसलिए ये क्या, इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। ये कुल मिलाकर फिर बोलो मुझे
अवर्गीय व्यंजन नाउ संयुक्त अक्षर चार। तो देखिए कितने हो गए, आठ आठ और आठ और नौ कितने हो गए, सॉरी आठ और नौ नहीं, अवर्गीय व्यंजन कितने हैं, आठ है, ये आठ आठ सोलह हो गया, सोलह और चार बीस हो गया, और दो एक दो तीन और दो पांच। तो देखिए वर्णमाला कितने बने, पचास। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको भेद करके बताना पड़ेगा। वर्णमाला में स्वर, स्वर में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, और अयोगवाहक, अयोगवाहक में अनुस्वर और विसर्ग, व्यंजन, व्यंजन में अवर्गीय व्यंजन और वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन में अल्पप्राण, महाप्राण और अनुनासिक, और अवर्गीय व्यंजन आठ, उसके बाद संयुक्त अक्षर। ये जो भेद है आपको बताने को आना पड़ेगा। थैंक यू।